भला करे। आज बेटा जो स्पेसिफिकली एक मुल्की हालात में एक सडन चेंज आया है उससे रिलेटेड जो जीके के क्वेश्चन निकलते हैं उन पे बात करना बहुत जरूरी था। तो जैसा कि आपको पता है कि रात यू वर नियर टू अ मिलिट्री कूप एंड देर वॉज अ सडन शिफ्ट फ्रॉम वन डेमोक्रेटिक पार्टी टू अनदर डेमोक्रेटिक पार्टी एंड यू मे नेम दीज ग्रुप एज एन ऑपोजिशन एंड रूलिंग पार्टी। अब इससे जो एमसीक्यूज नए जन्म लिए है, जो चीज़ अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार हा बार डिस्कस हो रही है, वो ये कि पहली बात तो ये कि जैसा कि आपको पता है कि इमरान खान जो है वो अपने 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं कर सका और इन 3 ईयर्स एंड 8 मंथ जो है वो उसका टेन्योर ख़त्म हो गया। अब यहाँ से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज निकलते हैं रिलेटेड टू दिस डेमोक्रेटिक सेटअप इन पाकिस्तान और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 जो प्रेजेंट जो कुछ भी होता है उसको भी डिस्कस करें आप। स्पेसिफिकली आपको ये पता हो कि चीज़ें जो मैं लिखवा रहा हूँ इसको ज़रा लिखते जाएं बेटा, आपको ये पता हो कि शॉर्टेस्ट टेन्योर, ये मैं आपके पाक अफेयर के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, आज मैं करंट अफेयर के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि ये चीज़ें अब करंट अफेयर से रिलेट हो रही हैं इसलिए मैंने आपकी क्लास सर जैन से आज ली है। जब पाक अफेयर के आपको जो डाटा दिया जाता है सबक ज़रा चेक करना बेटा, ये जो मैं फाइल्स खोल रहा हूँ कि आपको यही फाइल सर जैन देते हैं। ये फाइल आपको प्रोवाइड की गई बेटा ग्रुप में, यस अल्ताफ सर, सबा की गई है, वेरी गुड। अच्छा जी, इसके साथ एक हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट की फाइल ये बनाई हुई थी, ये वाली, ये रिपीटिव क्वेश्चन थे जो पेपर्स में आते थे, क्या ये प्रोवाइड की गई आपको? नो सर, ये नहीं मिली। चलिए ये भी आपको मैं अभी सेंड करवा देता हूँ। इसमें आपके लिए मोस्ट रिपीटिव जो क्वेश्चन है ना वो छांटी करके डाले गए हैं। अब के जो सिनेरियो में जो पाक अफेयर और करंट अफेयर में ओवरलैप हो रहे हैं, मुझे आप में से कोई ये बता सकता है कि सबसे शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन के लिए कौन सा प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुआ था? लियाकत अली खान और सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन के लिए कौन सा प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुआ था? सर, नवाज शरीफ। ये दोनों को आपने देख लेना है, ठीक है, ये चीज़ें। अब ये नए पार्ट्स जो उनसे क्वेश्चन निकल रहे हैं, अच्छा एक ये भी आपके है, इसमें आपके पास एक नोट्स की फॉर्म में जो है ना उसको पैराग्राफिक फॉर्म में आपके लिए यहाँ पे लिखा गया हुआ है, यहाँ पूरा इसका ऑर्डर बना हुआ है साथ, जस्ट लाइक एक आउटलाइन बनती है ना सीएसएस परस्पेक्टिव में जैसे बनती है वैसे दी गई। अच्छा अब आपने देखना है जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ उसके लिए हम चलते हैं गूगल पे और यहाँ से हमने वो सवाल अपने लेने हैं। अच्छा जी, तो ये प्राइम मिनिस्टर का वैसे टेन्योर कितना होता सर 5 ईयर। है? गुड, लेकिन मैक्सिमम रहा कितना है? सर इतना पता है कि 5 ईयर्स अभी तक किसी ने कंप्लीट नहीं किए। किसी ने कंप्लीट नहीं किया, तो ये बात तो जनाब आपकी बिल्कुल बजा है। ये देख लें, यूसुफ फतेह गिलानी जो सा है इसका लॉन्गेस्ट कंजेक्टिव टेन्योर है जो 4 ईयर एंड 86 डेज पे जाता है, ठीक है। ये मतलब कंजेक्टिव मींस कि एक ही टर्म में जिसने इतना, वैसे जो आपने नवाज शरीफ की सब बात की, नवाज शरीफ जॉन से वो स्कैटर्ड वे में 2-3 दफा आया था तो फिर उसने टेन्योर अपना इस तरह बढ़ाया है, लेकिन वैसे अगर देखा जाए एक ही कंजेक्टिव एक ही टर्म में सबसे ज्यादा टेन्योर यूसुफ से गिलानी का रहता है, ठीक है। उसके बाद शॉर्टेस्ट, अब ये सवाल आने हैं कहीं ना कहीं आपके सामने, इसलिए मैंने सोचा कि इन सवालों को मैं खुद आपके यहाँ पे रिसेंटली अपडेट करवा दूं आपके साथ ही इसको। अच्छा जी, शॉर्टेस्ट टेन्योर किसका रहा है? लियाकत अली खान का है, लेकिन वो भी इसका नाम नहीं आ रहा, एक वो बोगरा का भी नाम बीच में आता है, पता नहीं उसका कितना टेन्योर था। हाँ जी, ये देख रहे हैं जी, मोहम्मद अली बोगरा का टेन्योर था, मेरे ख्याल से मोहम्मद अली बोगरा का शॉर्टेस्ट है। इब्राहिम इस्माइल और पीएम, ये देखें जी, ये नाम आ रहा है इब्राहिम इस्माइल का, 17 अक्टूबर 1957 से 16 दिसंबर 1957 तक ये पीएम रहे हुए, 1 मंथ एंड 29 डेज। ये भी लिख लें, रिकॉर्डिंग में आपके पास ये मौजूद होगा। अच्छा कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है जो यहाँ पे 5 साल अपने पूरे कर सकी?
वो जो सब पे भारी है वो कौन है? जरदारी। जरदारी, जो कहता है एक जरदारी सब पे भारी, जिनका नारा है जरदारी की, वो गवर्नमेंट थी जिसने 5 साल का अपना टेन्योर पूरा करके वो पॉलिटिकली हैंड ओवर किया था टुवर्ड नेक्स्ट गवर्नमेंट। उसके अलावा इवन के जो लास्ट आपकी देख रहे हैं नून लीग की गवर्नमेंट, वो भी अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाई। पीपल्स जो पीटीआई गवर्नमेंट आई, ये भी अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाई। अब इस दफा आपको ये पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन पे बहुत बात हो रही है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हमें रिक्वायर्ड नहीं है पूरा कि हमें डिटेल में पता लगे, लेकिन हमने उसके कुछ आर्टिकल जो रिपीटिवली जिनका आप आजकल जिक्र सुन रहे हैं उनका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब वो आर्टिकल कौन से हैं? एक तो जिसके तहत जो सा है आपके प्राइम मिनिस्टर को डी सीट करने के लिए एक तहरीक का आगाज किया गया, ठीक है। उसके बाद वो कौन सा आर्टिकल है जो ये सादिक रमीन वाला, जिसका 62 और 63 आपने बेशुमार दफा उसका जिक्र सुना है। फिर आर्टिकल 6 एक है, वो ये कोई भी फॉरेन एजेंडा मुलव्वस हो, ये आर्टिकल लिख लें, ये शायद आपको खुद ढूंढते हुए जरा प्रॉब्लम हो। 62 63 का तो आपने बहुत दफा जिक्र सुना है, ठीक है, ये सादिक और अमीन जॉन सा है उससे रिलेटेड था। अब आर्टिकल 6 एक जॉन सा है वो एक हमारे सामने ऑन स्क्रीन आएगा, जिसके बारे में रिपीटिवली क्वेश्चन आपके सामने आएगा। वो सवाल जॉन सा बेसिकली ये होगा कि जो आपकी इंटरनेशनल कॉन्स्परेंसी या कॉन्स्परेसी, अगर वो किसी तरह कोई एड ऑन होती है किसी हुकूमत को उसको डिफॉल करने के लिए, तो उसमें कौन सा आर्टिकल जॉन सा है वो वहाँ इम्पोज हो रहा होगा, ठीक है। इसी तरह जो पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक जॉन सा है वो उसको नोटिफाई करता है कि सुप्रीम कोर्ट की क्या पावर होगी, ठीक है। तो हमें जनरली जो अभी सिनेरियो प्रेजेंट बना है इसमें जो जो आर्टिकल आप रिपीटिवली सुनते रहे हैं, जिन जिन का जिक्र आया है, उनके बारे में आपने अच्छी तरह देख लेना, ठीक है। दिस विल बी रिलेटेड टू आर पाक अफेयर पार्ट, बट दिस पाक अफेयर पार्ट विल बेसिकली कंप्लाई ऑफ योर करंट प्रेजेंट हैपनिंग्स, ठीक है, जो कुछ प्रेजेंट में चल रहा है उसके बारे में ये बात है। इसमें कोई वो बात नहीं हम कर रहे जो जैन साहब आपको हिस्ट्री पढ़ाते हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम प्रेजेंट ऑर्डर में जो बातें रिपीटिवली आपके सामने आ रही हैं, मीडिया पे डिस्कस हो रही हैं, इस टाइम उनकी बात कर रहे हैं। और ये बातें बहुत ही जरूरी हैं क्योंकि इनसे एक दो सवाल पक्के आपके सामने आने हैं। प्रेजेंटली जो ये सारा एक सिनेरियो हुआ है, इसमें जो आपके मेन मेन मिनिस्टर्स थे, मेन मेन सीट पे थे, उनका आपको पता होना चाहिए। आपका इस टाइम प्राइम मिनिस्टर के बाद सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल जो उनसा है वो आपके इस टाइम दो मिनिस्ट्रीज का आ रहा होता है, एक फॉरेन अफेयर्स और दूसरा जो उनसे आपका इंटीरियर मिनिस्ट्री। इन दोनों सीटों पे कौन था? उसके बाद मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी। गुड, और इंटीरियर मिनिस्टर पिंडी बॉय कौन था अपना? शेख रशीद। शेख रशीद, वेरी गुड। इसी तरह डीजी आईएसआई कौन था? आर्मी का हेड कौन था? सुप्रीम कोर्ट को कौन हेड कर रहा था? और कितना जो आंसर था वो मेंबर्स का बेंच था जिसने ये फैसला दिया, री पटिशन जो आंसर दोबारा आई है। सिक्स अब में ये गुड। अब बेटा अगर आपको याद हो, शायद आपने इतना पीछे ट्रेस ना किया हो, जिस दौर में पनामा का केस हुआ था ना 2013 में, ठीक, अब उस दौरान के जो पेपर आए 2013 के, उसमें हर पेपर में पनामा पनामा ही हो रहा होता था, ठीक है। अब जिस तरह ये हुआ केस, इसको नाम दिया गया लेटर गेट स्कैंडल का, ये भी लिख लें, लेटर गेट स्कैंडल। अब जो पेपर इसके बाद आएंगे, ये बात जेन नशीन रख लें कि 2-4 सवाल आपके इसके बारे में लाजमन आएंगे। आप ये लेटर गेट स्कैंडल कहाँ से शुरू हुआ? बेसिकली आपके प्राइम मिनिस्टर को डी सीट करने के लिए, जिसको तरीके अदम एतमाद का नाम दिया जाता है इंग्लिश में, जिसको नो कॉन्फिडेंस कहा जाता है, वो नो कॉन्फिडेंस की तहरीक, नो कॉन्फिडेंस की एक जो सी पिटिशन थी उसके खिलाफ मूव की गई, ठीक है। इस पिटिशन को आपका अभी जो अभी रिसेंटली इंटरव्यू चल रहे थे हमारे स्टूडेंट्स के, FIA वालों के, उसमें अब डिप्टी स्पीकर का नाम पूछा जा रहा था। क्यों पूछा जा रहा था को बता सकता? सबर नुमान, डिप्टी स्पीकर का नाम इंटरव्यू में क्यों पूछा जा रहा था? क्या इंपॉर्टेंस थी? क्या अभी ऐसा काम हुआ जिसकी बेस पे वो नाम पूछ रहे?
अदम तहरीक जो है उसको खत्म किया था आर्टिकल 5 के तहत। वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, जो रोलिंग की थी। वेरी गुड वेरी गुड, ये रूलिंग आपके डिप्टी स्पीकर ने दी थी जिसका नाम कासिम सूरी था, ठीक है। 3 अप्रैल को इसने उस तहरीक को, वो जो आपके जो नो कॉन्फिडेंस के लिए जो उन्होंने पिटीशन दायर की थी, इसने ऑन द बेस ऑफ आर्टिकल 5 और 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के, उन्होंने इसने इसको फॉरन एजेंडा डिक्लेयर करके इसको खत्म कर दिया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खुद इसका सू मोटो एक्शन लिया था। उस एक्शन की बुनियाद पे इसका जो फैसला आया था उसके तहत ये वोटिंग दोबारा होनी थी आपकी 9 अप्रैल को, 9 अप्रैल को ये वोटिंग दोबारा होनी थी। इस वोटिंग को जो चेयर कर रहे थे वो आपके वही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर थे, स्पीकर आपका असद कैसर और डिप्टी स्पीकर आपका कासिम सूरी था, ठीक है। इन्होंने दोबारा उस पिटीशन को जौन सा था मूव ऑन किया, उस पर वोटिंग हुई और आपके प्राइम मिनिस्टर जौन सा है वो घर चला गया। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अ सिंपल प्रोसेस दैट यू कैन से जो आपके प्रीवियसली को 5-6 दिन में हुआ, और इस 5-6 दिन में 4-5 सवाल पक्के आपके सामने आने ही आने। अब जो नई गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होगी, इसमें आपको एग्जामिनर को बहुत ही बुरे हालात में हो तो आपसे ये भी सवाल पूछ सकता है, खास तौर पे जो अभी फॉरन पेपर होने जा रहे हैं, कि शहबाज शरीफ के मुकाबले में पीटीए की तरफ से किसने जो उनसे अपने कागजात नामजदगी जमा कराए फॉर पीएम? शाह महमूद कुरैशी ने। वेरी गुड। तो ये बेटा एक डेली हैपनिंग्स हैं जो प्रेजेंट अभी पाक अफेयर में चल रहा है, और जब पाक अफेयर के क्वेश्चन उठाने ऑब्वियसली इतनी बड़ी ये जो उनसे एक वाकया हुआ है, यू कैन नेम इट एज इंसिडेंट, ठीक है। और इस इंसिडेंट के बाद ऑब्वियसली एग्जामिनर के जेन में ये जरूर होना है कि जहाँ से पुराने सवाल देने वहाँ क्यों ना पाक अफेयर का जो प्रेजेंट कॉन्टेस्ट है उससे रिलेटेड सवाल निकाल लेंगे। सो अभी तक जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं अपने पिछले कोई 20-25 मिनट में, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी वो जेन नशीन रखें, जो आपसे नाम पूछे जाने हैं, आपका पीएम जो आंसर लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन के लिए कौन रहा है, शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन के लिए कौन रहा है, किस पार्टी में था, क्या ड्यूरेशन था, प्रेजेंट जो आंसर रहा है उसका क्या ड्यूरेशन था, कौन सी गवर्नमेंट ऐसी थी जिसने अपना टेन्योर पूरा किया। इसी तरह एक आपका होता है 5-year plan, किसी को पता है वो क्या होता है? ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो सा प्लान होता है जो हर 5 साल के लिए अप्लाई किया जाता है, ठीक है। अभी आपका ये 6th 5-year plan इंप्लीमेंट होना था, जो आपका पीपीपी के दौर में स्टार्ट हुआ था, उसके बाद वो अभी तक जो सा है वो पाया तकमील तक नहीं पहुंच सका, और वैसे ही उसके बाद ये नून लीग आए तो इन्होंने एक अपना वीएन 2025 इकट्ठा जो तक दे दिया को 10-15 साल का वीएन, वो भी कोई इंप्लीमेंट नहीं हुआ। तो बस ऐसे ही जिस तरह आपके यहाँ पे सडन डेमोक्रेटिक कूप ऑन द नेम ऑफ यू कैन से डेमोक्रेसी बट इन अ फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप, जिस तरह ये सारे काम यहाँ पे चलते हैं, ठीक है, बैकडोर चैनल जो सा यूज किया जाता है जो कुछ होता है, उसकी वजह से आपके कोई भी डेवलपमेंट प्लान अभी तक यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। इसके साथ ही एक आपका एक्सक्यूज मी सर, सर अयाज सादिक ने जो कंडक्ट की इलेक्शन सर वोटिंग वो किस तहत की सर? वो क्या की कंडक्ट की वोटिंग सर उसने? जी जी, तो पैनल का कुछ कह रहे थे क्या ये होते हैं, ये थोड़ा होता ये दे? होता ये कि अब आपका जो अयाज सादिक था ये आपका लास्ट जो आंसर था स्पीकर था, ठीक है। तो ये इन्होंने डिसाइड किया होता है, जिस तरह स्पीकर की गैर मौजूदगी में डिप्टी स्पीकर है, अगर दोनों मौजूद नहीं होते तो आपका पिछला स्पीकर जो है वो उसको चेयर कर रहा होता है, ठीक है। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर की गैर मौजूदगी में जो आपका स्पीकर है वो एक्टिंग रोल अदा कर रहा होगा, मतलब इस तरह इन्होंने अपनी एक डोमेन जो सी वो तय की हुई है। तो क्योंकि वो दोनों ही डिप्टी स्पीकर स्पीकर नहीं थे, तो पुराना स्पीकर अयाज सादिक था वो एज ए स्पीकर की सीट पर आके उसको चेयर करवा रहा था। क्लियर? अच्छा, अब ये सारा प्रोसेस तो हो गया, अभी इस प्रोसेस से कोई और सवाल को आपके जेन में हो, किसी तरह की चीज को समझ में ना आई हो, इससे तो यही एमसीक्यू ने जो निकलना है। ये लेटर गेट स्कैंडल का नाम जेन में रखना है, लेटर गेट कहीं भी आएगा तो वो यही होगा, ये जो सारा आपका ये जो सडन चेंज ऑफ गवर्नमेंट का प्रोसेस हुआ है लेटर गेट स्कैंडल इसको नाम दिया जा रहा है। अब ये सारी जो आपके प्रेजेंट गेम है ये बैक एंड किससे रिलेट होती है सर? पंजाब असेंबली के बारे में थोड़ा सा बता दें, वहां पे भी आते हैं, पंजाब असेंबली पे आते हैं। ये जो सारी लेटर गेट स्कैंडल है ये रिलेट किससे होता है?
या दिमाग को पीछे लेके जाए, मैंने आपको खुद करंट अफेयर क्या लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। सर ये इमरान खान, नहीं, वो इमरान खान से निकल जाए, कैपिटलिज्म कम्युनिज्म पे आ जाए जरा। बी यूएसए, यू कैन से यस। ये जो आंसर आपका सारा है, ये आपका यूएस और रशिया से रिलेट होता है। अगेन दैट इज इन अ टग ऑफ कोल्ड वॉर जस्ट टू मेंटेन इट्स सुप्रीमेसी ऑन द वर्ल्ड, एंड द एम्बिशन ऑफ रशिया इज टू यू कैन से बी अ अपकमिंग ग्लोबल सुपर पावर। ठीक है, इस कॉन्टेस्ट में जो सारी ग्रुपिंग चल रही है, अगेन कोल्ड वॉर इन कंट्रीज की आपस में चल रही, उस सिनेरियो में ये सवाल आपका है। फिर प्लान जो है कौन सा? 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान बेसिकली बेटा आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान होते हैं। इस 5 साल में आपने अपना गोल सेट किया होता है, माइलस्टोन सेट किए होते हैं कि हमने अपने इकोनॉमी को इस हद तक डेवलप करना है, हमने ये इसका जो पॉइंट है ये अचीव करना है। ठीक है, वो आपके 5 ईयर प्लान इज बेसिकली योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान। पीटीआई का जो प्लान था इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम सर, उसका क्या नाम था? पीटीआई का पता नहीं क्या नाम था उसका, तो मैंने तो कोई ऐसा इनका प्लान नहीं सुना। लेकिन इससे पहले जो शुभाश्री वाला था ना, वीएन 2025, वो एक रीजनेबल प्लान था। पीटीआई ने तो कोई ऐसा प्लान नहीं दिया, इसको तो समझ ही नहीं आई इकोनॉमी करके रही यार। मेन अल्ताफ पीटीआई के डाउनफॉल की, देखिए नियत इनकी अच्छी थी और होगी, लेकिन जो मेन डाउनफॉल की वजह बनी है वो ये बनी है कि लोग आज इस दौर में ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि इनकम्पिटेंसी से करप्ट बेहतर है। हर चीज को बेड़ा गर्क करने के बाद ख्याल आता था हम ऐसे कर लें, मतलब जस्ट लाइक आईएमएफ के पास जाना था, पहले डिसीजन नहीं लिया, एंड में जब देखा कि तबाह हो गए फिर इनको आईएमएफ के पास जाना याद आ गया। ठीक है, ये बात क्लियर। कॉन्स्टिट्यूशन या असेंबली से रिलेटेड कोई और सवाल तो नहीं रहता अपना? अब आ जाए जी सेंसिस की तरफ। आपका लास्ट सेंसिस कब हुआ? 2017 में। गुड सवा नुमान, गुड। ये आपका लास्ट सेंसिस हुआ है 2017 में, जो कि आपका 6th सेंसस था। इससे पहले जो सेंसस हुआ था वो 1998 में हुआ था। अब इस सेंसस के बाद जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन बनी है उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है। इस सेंसस के बाद क्या हुआ था? मर्जर हुआ है, किसका किधर हुआ है? एक्सीलेंट, फाटा का केपीके में मर्जर हुआ है। और जब मर्जर हुआ उस टाइम कितनी पॉपुलेशन थी फाटा की? 5 मिलियन। 5 मिलियन, वेरी गुड। 5 मिलियन यानी कि 50 लाख लोग थे फाटा के उस टाइम। ये भी लिख लें सेंसस का, क्योंकि दोबारा रोला पड़ना है अब। फाइव मिलियन पॉपुलेशन थी सेंसस के बाद जो आंसर इसका मर्जर हुआ है केपीके में। 5 मिलियन मीन 50 लाख। अब इसके साथ ही ये तो आपके हो गए जो फेडरल लेवल पे जो चीजें थी जो चल रही थी। अब आपके आ जाते हैं गवर्नर्स के नाम। ठीक है, गवर्नर्स के नाम को बेटा अच्छी तरह देख लेना। बलोचिस्तान और केपीके के गवर्नर का सवाल आता रहता है, लेकिन अब पंजाब का गवर्नर जो नया है उसका क्या नाम है? सर फराज चीमा। कौन सा चीमा? फराज चीमा सर। सर फराज चीमा शायद। हाँ जी, चीमा ही है, चीमा ही है कोई। ठीक है, तो आपको उसका भी नाम पता होना चाहिए, क्योंकि ये चीजें अब फिर दोबारा चेंज होनी है। ठीक है, तो जस्ट whenever you are sitting in a paper or even interview, examiner wants to see or check that how you are familiar with present dynamics and how much you are attached with newspaper and all surrounding you. theek hai, to ab aa jaye janab aapki punjab assembly ki janib. punjab assembly se pehli baat to ek sawal nahi aana,
सवाल जो पाक फेर के उठाने हैं उसके पास इस खाते में से उठाने की जौन सी गुंजाइश है वो है 2 या 3 सवाल, वो मैंने आपको सारे छांटी करके बता दिए हैं, और अल्लाह के हुक्म से आप उठा के देखिएगा यही सवाल आएंगे और कोई सवाल नहीं आता। पर रामा की दफ़ा भी हमें इसी तरह बड़ी अच्छी तरह पता था क्या आना है, जो जो चीज़ें करवाई। पनामा कनाल का सवाल बेशुमार दफ़ा आया कि पनामा कनाल जो सी वो किधर है, मतलब ये चीज़ें ट्रेंड्स के मुताबिक जो सिचुएशन चल रही है उसके मुताबिक आपको एक्सपीरियंस की बेस पे, इवन व्हेन वी आर मेकिंग योर पेपर और वी आर सेटिंग एन इंटरव्यू पैनल, हम तब भी इन चीज़ों को ऑब्जर्व करके इसकी बेस पे सवाल निकाल रहे होते हैं। तो जस्ट एज व्हाट वी वांट टू यू विद यू इज कि हम आपकी जो एक थॉट है वो डेवलप करना चाहते हैं अपने मुताबिक, दैट एज एन एग्जामिनर व्हेन वी आर सिटिंग हियर आफ्टर 10 or 12 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, जब हम पेपर बनाते हैं, जब हम चीज़ों को सेट डाउन करते हैं, वो कैसे कर रहे होते हैं ना। अलहमदुल्ला ये इंटरव्यू चल रहे हैं FIA के, जो चीज़ें तैयार करवाई हैं 100% वही चीज़ें पूछी गई, क्यों इसमें ये तो नहीं कोई इंटरव्यू वाले को हमारे साथ मिले हुए हैं या कुछ है, बट जस्ट हम लोग उस स्टेज पे बैठते हैं, ठीक है, हम लोगों को भी एक इसी सराउंडिंग से हमें क्वेश्चन निकालने होते हैं और हमने आप लोगों को देख के उसके मुताबिक चीज़ें सेट करनी होती हैं, तो ऑब्वियसली हम वो कर रहे हैं, अलहमदुल्ला कामयाब भी आ रहा सब कुछ। तो खैर अब पंजाब असम्बली वगैरह पाएंगे तो पंजाब असम्बली की अभी तक तो पहली बात है कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, ठीक है, ये क्लास में और कोई मेरी या बाकी आपके साथ क्लासेज होनी इस्लामिक स्टडी करंट अफेयर की, उसके अंदर मैं कोशिश करूंगा कि तब तक जो सिनेरियो उसका वाजे हो जाए तब मैं आपसे उस पर बात करूं। लेकिन अगर प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में बात करें, बुजदार जो उनसे था उसकी वजह से सिचुएशन यहाँ तक आई है, उसके बाद अब इधर भी अगेन उसके खिलाफ भी वही जो नो कॉन्फिडेंस की जौन सा तहरीक चली है उसके खिलाफ भी उन्होंने रेजोल्यूशन पुट अप की है। अब उसके तहत PTI ने अपना जो नॉमिनी है वो बनाया है परवेज लाई को, जो काफ लीग का परवेज लाई, इससे पहले क्या रहा है पता पंजाब वो अपने दौर में मुशरफ के दौर में वो CM पंजाब भी रहा है, ठीक है, इसलिए वो स्पीकर का जो उनसे अभी की पोजीशन उसने बड़ी अच्छी तरह वो संभाली रखी है। तो अब जो प्रेजेंट सिनेरियो जो इस टाइम प्रेजेंट चल रहे हैं उसके तहत ये सीट भी इन्होंने लूज करनी है, बिकॉज वही के जो इलेक्टेबल्स हैं या जहांगीर तरीन जैसे ग्रुप्स हैं वो लोग इनको छोड़ चुके हैं और ये अब तन्हा तन्हा और तन्हा सिर्फ और सिर्फ अपने बुजदार को बचाने की खातिर आज पूरी हुकूमत गिरा बैठे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट पंजाब असम्बली। अब आपके कोई सवाल हैं इस सिनेरियो से रिलेटेड या किसी चीज से रिलेटेड टू यू मे आस्क। कोई सवाल नहीं जी। अच्छा ये फाइल बेटा मैं आपको ग्रुप में सेंड करवा रहा हूँ, अभी जो चीज़ें आपको मैंने बताई हैं ये को महीने बाद जो आपके आएंगे करंट अफेयर अपडेटेड उसमें चीज़ें लिखवा दूंगा, लेकिन मैंने आपकी क्लास इसलिए अलहदा ली है क्योंकि इसकी वेटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 सवाल यहाँ से निकल आते होते हैं, तो इसलिए उसको आपने ईजिली मेरा बेटा इसी लेक्चर को सुन के और अपने जो पॉइंट्स लिखे हैं उनको रिकॉल करके आपने उसको मेमोराइज करना, ठीक है। और साथ में आपको जो ये नोट्स दे रहा हूँ अभी ये आपके पास पहले मौजूद नहीं है, ये वो जो रिपीटिव क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़े से क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा लंबे चौड़ा इसमें सवाल नहीं है, इसको आपने यहाँ से कवरअप कर लेना, ठीक है जी। ये मुख्तलिफ जगह से काट काट के आपके लिए यहाँ पे जौन सा है ना इसको इकट्ठा किया गया, कोई 200 के करीबी MCQs हैं आपके, जिसको आप मेरे ख्याल से 2 दिन में भी कवर करें तो फिर भी आपके लिए बहुत बेहतर होगा, ठीक है जी। क्लियर? यस सर क्लियर। कोई सवाल? ओवरऑल क्लासेस कैसी जा रही, किसी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी सब्जेक्ट की समझ में ना आ रही हो, कोई इशू हो रहा हो किसी भी सब्जेक्ट में? इंग्लिश की थोड़ी सी आ रही है प्रॉब्लम। इंग्लिश की क्या प्रॉब्लम आ रही है? थोड़ी समझ कम लग रही है, थोड़ी समझ कम लग रही है। सरदार इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है ये, इसको जो भी पढ़ा रहा हो ये जोन से ना कम समझ से काम चलता है, ठीक है ना। CSS PMS वाले भी यही, मुझे आपके जवाब पे इसलिए हंसी आई कि CSS PMS वाले जोन से ना उनका भी यही कहना होता है। इंग्लिश वैसे 2 लोग पढ़ाते हैं हमारे पैनल पे, डॉक्टर अब्दुल कदूस और जमान, और तीसरे जोन से हैं जिनको हम CSS PMS के पेपर भी चेक करवाते हैं, प्रोफेसर सलमान रफीक, 25-30 साल का तजर्बा है उनका, उन्होंने भी इंग्लिश पढ़ाई। स्टूडेंट्स का जो एक यही होता था ना कि मतलब वो जरा खुशक नहीं जैसे होता, एक उसमें इंटरेस्ट नहीं होता उस तरह का, और एक बड़ा मतलब एक और तरह का उसका फ्लेवर होता है। लेकिन खैर आप लोग को अगर प्रॉब्लम प्रॉब्लम हुई तो उसकी एक्स्ट्रा क्लास भी रखवा देंगे, लेकिन उसके साथ थोड़ी हिम्मत से तो काम लेना पड़ना। ठीक है सर। और जी नुमान सबा
सर सेम यही कि इंग्लिश की क्लासेस जरा एक्स्ट्रा रखवा दीजिएगा। कोई इश्यू नहीं, रखवा देंगे जितनी कहेंगे आप। पढ़ने वाले बने मुझे कहेंगे ना अगली अगले अगले जो उनसे बैच के साथ दोबारा सारी क्लासेस रखने रखते हैं। ओके सर, बस रिजल्ट चाहिए आपसे मुझे। और उसके अलावा न्यू बैच जी स्टार्ट हो रहे हैं, कल से एक बैच को कमेंस कर रहे हैं, तो लोग आपके साथ और ऐड ऑन करें। जरा क्लास में 15-20 लोग हो ना तो फिर जरा क्लास का एनवायरनमेंट एक्टिव रहता है। आधे छुट्टी पे भी हो तो 10-15 क्लास में मौजूद होते हैं। ठीक है, तो न्यू जॉन सा ऐड अब आज हमारा एक्टिव हो गया शायद, वो भी को 12-13 को है। तो आप लोग भी जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको रेफ़र करें, अगर मुतमिन है यहाँ का अच्छा स्टडी जा रही है ठीक है तो उन्हें रेफ़र करें। और ये रेफरल पे को आपकी बेस पे एडमिशन आता है आपके रेफरेंस से, तो उस पर आप लोगों को बोनस भी मिलेगा। वो एक हमने एक रखा हुआ अलाउंस, जितना हम एडवर्टाइजमेंट पे स्पेंड कर रहे होते हैं उतना इन फॉर्म ऑफ बोनस जो वो 300 रुपया बनता है वो पर स्टूडेंट का, वो हम अपने जो रेफर करने वाले स्टूडेंट होते हैं उन्हें पे कर देते हैं। इसी तरह हमारे कोऑर्डिनेटर भी पूरे पाकिस्तान में हमारे पुराने स्टूडेंट जो उनसे होते हैं। आप लोग कहाँ कहाँ से? अल्ताफ नुमान सबात लाहौर की है सर, मैं सिंध से हूँ। वेरी गुड, तो बरल आप लोग भी जरा अपने सर्कल में से स्पेंड करें ठीक है। शान ने वो स्टेटस वगैरह लगाया हुआ था, उन चीजों को अपने एरिया में अगर ऐसे कुछ करें स्प्रेड इंशाल्लाह सर करेंगे। चलें जी, खैरियत से रहें। कोई और सवाल तो नहीं आपका? ऑल क्लियर जी? यस सर, यहाँ तक तो क्लियर। बस यही आपका मेन जो था आज हमारी क्लास का मकसद था, लेकिन मुझे हैरानगी हुई है कि सर जैन की क्लास तो इतनी इंपॉर्टेंट होती है और उसको हमने रखा भी, ड्यूरेशन भी 1.5 घंटे का रखा हुआ है, पर आप लोग क्लास में मौजूद क्यों नहीं होते? बात गौर तलब है अच्छे बच्चों की तरह क्लासेस दिया कर। किसकी वजह? तरावी अभी इस टाइम कौन सी तरावी चल रही है अल्लाह के बंदो? सर 9:45 तक हो, 9:50 तक चलती है यहाँ पे। अच्छा नहीं, क्लास का टाइम अगर आप लोग कहते तो चेंज भी कर सकते हैं, हमें तो कोई इतराज नहीं है। बाकी क्लासेस भी तो इसी टाइम पे होती हैं, तब तो स्टूडेंट्स वही नहीं सारी होती हैं। सिर्फ ये है कि या तो स्टूडेंट वो मेरा क्लास लेंथी है तो कहते हैं रिकॉर्डिंग बाद में सुन के उन्हें पार्ट्स में काम कर लेंगे। क्या ख्याल है, कोई ऐसे ही हो रहा होता है सब? फिर जी सर कुछ ऐसा ही है। चलें अल्लाह ताला कामयाब करें। जी जी रुमान सर, ये जैसे 3 बजे या 4 बजे दिन टाइम अरेंजमेंट हो सकती है? मैं तो कोई इतराज नहीं मान, लेकिन आप में से जो लोग जॉबियंस होते हैं उनके लिए इशू होता है। हमारे नहीं सर, जो रेगुलर हम क्लास लेते हैं ना, जो ऑलमोस्ट ये 3-4 फेलो हुए हैं, तो अगर इनके साथ कोई सेंसेस हो जाए तो इस टाइम वाला ट्रावी लेके आता है, वैसे भी थोड़ा थका हुआ होता है, पर बाद में फिर बैठ के दोबारा तक अब देखें ना, अगर अगले हफ्ते है मेरी क्लासेस ठीक है ना, आप लोगों को इस्लामिक स्टडी जोन सी कवर अप करवानी, अगर आपने 3 बजे रखनी तो मुझे तो वो भी बड़े फिजिबल है। अपने अपने ग्रुप में बात करके देख लें, अपने अपने ग्रुप में बात करके देख लें, अगर तो कोई जॉबियंस नहीं है तो इट्स वेरी गुड, आप रमजान में अपना 3 बजे ले लें। मेरे मैसेज किया हुआ था तकरीबन, हम जो है ना 3-4 लोग ही होते हैं। क्या कह रहे अल्ताफ? तो सर पहले मैंने मैसेज किया हुआ था टाइमिंग के हिसाब से जो है ना 3 से 4 बजे तक, फिर किसी ने कहा कि जॉब वाले लड़के होते हैं। जॉब वालों को प्रॉब्लम होती है, मैं वही कह रहा हूँ, जॉब की वजह से हम इसको शाम पे रखते हैं। सबा आपको क्या ख्याल है बेटा इस बारे में? सर मेरे ख्याल में तो ये टाइमिंग ठीक है। सवाल लाहौर की है ना है ना, हम लाहौर वालों ने सारी रात जागना होता है, प्रॉब्लम ये आ जाती है बीच में कि लाहौर में दिन नहीं चढ़ता शाम के टाइम ठीक है, तो इसलिए सभा कह रही है टाइमिंग ठीक है। तो ये बरल बेटा, इसको अगर आपका कंसेंसस हो, हमारी तो क्लासेस चल रही होती है, अब जो इंटरव्यू वाले स्टूडेंट हैं उनकी क्लास 3 बजे शुरू होती है, 3 बजे से लेके हमारी 11 बजे तक क्लासेस ऑफ एंड ऑन सेंटर में चल रही होती है ठीक है, तो ये मोस्ट सूटेबल सबके लिए। हमें तो यही लगा कि आप लोगों में से कोई जॉबियंस है कुछ इस तरह के तो उनको तो ये फिजिबल है, लेकिन खैर अभी इसको ये है कि आपको एक रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी भी साथ मौजूद। अभी देखे ना 3 लोगों में से भी आपने जो ना वो 2/3 मेजोरिटी हासिल नहीं की। वो सर वो मैं इसलिए कह रहा था ना एक्चुअली कि इस टाइम जो 3 है ऑलमोस्ट ये तो बगैर जॉबियंस है, तो जॉबियंस उमूमन इस टाइम तो वो वैसे भी रिकॉर्डिंग लेते हैं, वो वैसे भी रिकॉर्डिंग जो स्टार्ट हुआ अभी देखते हैं ना, अभी तो बेटा अभी जो आपका नया सेमिनार का जो हुआ है, अभी जो न्यू एडमिशन आते हैं उसके बाद देख लेंगे, अगर हो सकता हुआ तो हम इसको कर लेंगे।
लेकिन देखिए ना, अगर आप गर्ल्स की बात करें, 5 बजे के बाद, 4 बजे के बाद उन्हें इफ्तारी बनाने में भी लग जाना होता है, ठीक है, वो भी एक जेन्युइन फैक्टर है, ठीक है। उसके बाद आप अगर शाम की बात करें तो तरावी के बाद तकरीबन 9:45 तक ये लोग सारी फारिग हो जाते हैं, ठीक है। तो उस वजह से हमने इसको 9:45 से 11:30 रखा है, ठीक है। तो जरा थोड़ी हिम्मत करें, ठीक है सर, ओके। अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे, खुश रहें, वादुशाद रहें, अल्लाह हाफिज़।